हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? फाइनली रेडमी ने कर दिया है रेडमी 9 लॉन्च, बट गाइस इंडिया में नहीं किया, यूरोपियन कंट्रीज में किया, अब इंडिया में भी करने वाला है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम रेडमी 9 और रियलमी 6 इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन से बेस्ट फोन कौन सा और कौन बेस्ट वैल्यू अपनी प्रोवाइड करवाता है। सो गाइस, अगर आप जानना चाहते हो तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर लो। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन कर लो। सो हेलो गाइस, मैं हूं जयपाल डॉट लिंक बट ऑफिशियल में आपका स्वागत है। सो गाइस, स्टार्टिंग के लुक से तो गाइस दोनों ही स्मार्टफोन का लुक जो दिया हुआ है गाइस काफी बेस्ट है, बट गाइस मुझे तो गाइस रियलमी 6 का फ्रंट और बैक साइड में जो लुक देखने को मिलता है गाइस वो कमाल का लगा। और बात करें डिस्प्ले की तो गाइस रियलमी 6 में आपको 6.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा 20:9 एक्सपेक्ट रेडियो के साथ में। जबकि बात करें रेडमी 9 की तो गाइस यहाँ पे आपको 6.53 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा 19:5:9 एक्सपेक्ट रेडियो के साथ में। सो गाइस डिस्प्ले की साइज के मामले में गाइस रेडमी 9 थोड़ा सा मामूली सा आगे है रियलमी 6 के कंपैरिजन में। और बात करें प्रोसेसर की तो गाइस रियलमी 6 में आपको मीडियाटेक का हीलियो Z90T देखने को मिल जाएगा। जबकि बात करें रेडमी 9 की तो गाइस यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720Z देखने को मिल जाएगा, जो कि रेडमी 9 की प्राइस के कंपैरिजन में गाइस काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। मोदी जी वाह वाह। और बात करें स्टोरेज की तो गाइस रियलमी 6 में आपको 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। जबकि बात करें रेडमी 9 की तो गाइस यहाँ पे आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, जबकि दूसरा वेरियंट है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। लेकिन एक सेकेंड। और इसी साथ बात करें बैटरी की तो गाइस रियलमी 6 में आपको 4300mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। जबकि बात करें रेडमी 9 की तो गाइस यहाँ पे आपको 5020mAh की बैटरी देखने को मिलती है। सो गाइस बैटरी के मामले में गाइस रेडमी 9 काफी ज्यादा आगे कंपेयर टू रियलमी 6। आई हैव मूड बना दिया। और कैमरास की बात करें तो गाइस रियलमी 6 में आपको फ्रंट में 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। बात करें रियर कैमरा सेटअप की तो गाइस यहाँ पे आपको 4 कैमरास देखने को मिलते हैं, 64 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा, 8 MP का सेकंड कैमरा देखने को मिलता है और 2 MP का थर्ड कैमरा देखने को मिलता है और 2 MP का ही फोर्थ कैमरा देखने को मिलता है। जबकि बात करें रेडमी 9 की तो गाइस यहाँ पे आपको 8 MP का फ्रंट में सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। बात करें रियर कैमरा सेटअप की तो गाइस यहाँ पर भी आपको 4 कैमरा देखने को मिलते हैं, 13 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, 8 MP का सेकंड कैमरा देखने को मिलता है, 5 MP का थर्ड कैमरा देखने को मिलता है और 2 MP का फोर्थ कैमरा देखने को मिलता है। सो गाइस कैमरास के मामले में गाइस रियलमी 6 बहुत ज़्यादा आ गए रियलमी 9 के कंपैरिजन में। लॉकडाउन में बावड़ा हो गया क्या? और फाइनली बात करें प्राइस की तो गाइस रियलमी 6 में आपको 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में जो वेरिएंट मिलता है उसकी कीमत 13,900 रुपये है। जबकि बात करें रेडमी 9 की तो गाइस यहाँ पर भी गाइस आपको यही वेरिएंट आपको 15,300 रुपये में देखने को मिलता है। बट गाइस जो रेडमी 9 की जो प्राइस है ये यूरोपियन प्राइस है, इंडियन प्राइस नहीं है, अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। बट गाइस अगर जहाँ तक लगता है इसकी प्राइस इंडिया में 12,000 के नीचे ही होगी, बट फिर भी गाइस ये रियलमी 6 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पीछे फीचर्स के मामले में और प्राइस भी इसकी इतनी ज़्यादा है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो गाइस रियलमी 6 की बेस्ट है। आपके अकॉर्डिंग गाइस इन दोनों फोनों में बेस्ट फोन कौन सा है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। साला 6 साल मॉस्को क्या किया तूने? इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।